हेलो, आप सभी को सबसे पहले मेरा नमस्कार और आप लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 3 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए। तो जैसा कि हमारे पास बहुत सारी कमेंट्स आती हैं कि ठीक है, बनने के पास कपड़े नहीं है, जल्दी कपड़े नहीं बदलता, कपड़े दिलाओ, कपड़े कपड़े कपड़े। तो चलो ये काम भी कर देते हैं। बिना वक्त बहुत सारा वक्त गंवाने के बाद मैं टिकटॉक बंदा और ठेस बुद्धि को बुलाता हूँ और ये दोनों अपने चेहरे पर बड़ी सी लाली लेकर प्रवेश करते हैं। हाँ, तो हमारे टिकटॉक बंदा और ठेस बुद्धि आ चुके हैं और आज हम पहली बार शॉपिंग करने जा रहे हैं। तो शॉपिंग करने से पहले एक कंडीशन है, एक कंडीशन सुन लो भाई, 4 पीस क्लोथ पर पर्सन। मतलब जे कि 4 पीस कपड़े तू खरीद सकता है, 4 पीस तू। भाई मैं तो सोच रही पैंट शर्ट लोअर जैकेट, तो चट्टी बने मोजा रुमाल। और मैं पापा से परमिशन लेके चल देता हूँ, मगर ये कहते हैं मुझे तो बिल्कुल टाइम ही ना दी थी। इनका कहने का मतलब है कि मैं पहले जितना पापा के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा। और फिर हम तीनों चल देते हैं। देखो, कहना सुनना तो बस एक बहाना है और वैसे भी नए कपड़े खरीदने में तो हम कोई ना कोई बस एक बहाना ढूंढते हैं। तो इनकी डिमांड में फाइनली आ जाता हूँ मिडिल क्लास के मल्टीप्लेक्स विशाल मेगा मार्ट। ये लिफ्ट से जाने, लिफ्ट से तेज बुद्धि की लिफ्ट से जाने की भी एक वजह है पेट समस्या। सही बात है। फिर ये अपने पसंद के कपड़े खोज जारी कर देते हैं जहाँ से मुझे बहुत ही कम पसंद आते हैं। जी? मगर इनके दिमाग का इलाज जल्द करवाना पड़ेगा। देखो अरे पागल। बेहतर यही होगा कि मैं इनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखूं। बढ़िया है, रेट भी बहुत बढ़िया है। चलो और देख। मगर धीरे धीरे इनके दिमाग में खुजली उत्पन्न होती चली जाती है और कपड़े तो यहाँ पे काफी सही सही दिख रहे हैं मगर पसंद एक भी नहीं आ रहा। जेब कैसी देखनी है, 2-3 दिन तो वैसे ही आ जाएंगे। भैया मैं कहाँ जाऊँगा समझ नहीं आ रही। तो भूतिया मॉल बन गया राजा बाबू, बढ़िया लग रहा है। अब ठीक ठाक मतलब अपनी पसंद के कपड़े ला तो रहा है मगर इस पर हम सूट नहीं कर रहे। फिर मैं थोड़ी अपनी पसंद के कपड़े लाता हूँ जो शायद इस पे जमेंगे। जा ट्राई करो। आज ठेस बुद्धि को यकीन हुआ होगा कि ये बहुत खूबसूरत है। तो कौन सी फाइनल करी फिर? ये करी ये। ठीक है। सही लग रहा है लोवर तो फिर इसी बात पे एक मैं भी। वाइट ले तो वो वाइट सूट करेगा। ठेस बुद्धि की लोवर की खोज जारी है मगर टी शर्ट तो काफी प्यारी प्यारी है। ये शर्ट सही लग रही है, कैमरे में सही नहीं लग रही मगर वैसे सही लग रही है। ये भी बहुत सही लग रही है, तो ले लो फिर। चलो भाई, ठेस बुद्धि की लिस्ट इंक्रीज हो रही है। चलिए तो फिर हम यहाँ से चल देते हैं, ज्यादा कुछ पसंद तो नहीं आया। अब हम चलते हैं अपने फेवरेट डिपार्टमेंट में। पिछली बार आया तो मैं यहाँ पे अपनी छाप छोड़ के गया था जो अभी भी वही है। जब तक इन्हें यहाँ से ढक्के मार के बाहर नहीं निकाल देंगे इन्हें चैन थोड़ी ना मिलेगा। बेहतर होगा यहाँ से अब चल देते हैं क्योंकि ज्यादा इनके साथ अगर मैं रुका तो कसम से बहुत बेइज्जत करके बाहर निकाला जाएगा। तुम्हें शर्म है कुछ? तू तो आज ऐसा लग रहा है। ये जी ऐसा लग रहा है, देखो जी ऐसा लग रहा है। आजा आजा, अब चलो। फिर बिल विल कटवा के हम यहाँ से चल देते हैं क्योंकि यहाँ पर मन का कुछ मिला नहीं। और हम फिर एक दुकान पर आते हैं जो काफी सही है। ऐ बन गया राजा बाबू द कूल बॉय। पूरा भालू बन चुका है और मैं यहाँ से भी कुछ नहीं खरीदता क्योंकि मेरे मन का कहीं मिलता ही नहीं। चल झूठा। हाफ दे दो। और ठीक ठाक बंदे के लिए एक मैच बनाया जाता है, टी शर्ट शर्ट और पैंट। मेरा चैन वैन सब
और बोर ये बिस्तर उठा के हम यहाँ से चल देते हैं। और अगर हम बाहर आए हैं और बिना खाए पिए वापस जाएं तो मुझे इन दोनों की हाय लगेगी। तो हम मोमोज की अलग अलग प्रजातियों का स्वाद लेते हैं। ठीक है खा पी के हम सीधे अपने घर आते हैं। थोड़े से मोमोज मैं घर ले आता हूँ वरना मेरी बहन मुझे माफ करना ठेस बुद्धि मोजा मुंह पे लगाने के लिए। और फिर पापा आते हैं और सबके कपड़ों का मुआयना करते हैं। हाँ बस इसी की कमी थी, खाने पीने की खुशबू थोड़ी सी भी चली जाए वहीं प्रकट हो जाती है। खुश है अब ले ओ मोमोज खा लो। शाम के टाइम मुझे अपनी छत से बेहतर जगह कोई जगह नहीं लगती। जनावर राक्षस। तुम तो राक्षस नहीं? मैं राक्षस नहीं। और का? का है? अरे यार देखो यहाँ ईंट दे ईंट जावन। ये तो सही में ईंट ले आई। फेंक दे यार तू सर। बांध दे बांध दे ना तुम्हें बांध दे तू दही दे। अभी भैंस का दूध निकाला जा रहा है। अभी भैंस का दूध निकाला जा रहा है हमारी भैंस इतनी खतरनाक है कोई इसके पास जाता उसे उड़ा देती है। इस समय तो मैं अपनी छत पे खो जाता हूँ। ये प्यारा सा सनसेट अपनी मम्मी से बात कर रहा है। अम्मे रोटी बात कर रही हूँ पुआ खा जाऊंगो बंटी के घर। आई लव सनसेट। चावल होते मैंने भी राखी की तरह झूठा कर दिया था तो मेरा फेंक दिया। का करो मेरा नहीं तो तेरा नहीं। जैकेट अभी मेरे हाथ में मेरी जैकेट नहीं तो भैया मैं तो ना पे करते खोआ का लड्डू खाऊंगा। भैया लो एक चॉकलेट निकाल के ला जल्दी 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 एक पूरी हाँ चल ठीक है ले चुका तू जा ये हमारा अड्डा है और ये हमारे सोफे पड़े हैं। ठीक ठाक बंदे को पापा ले गए किसी काम से और हमारे पास एक चॉकलेट है जो उसके नसीब में नहीं है। अभी अपने अड्डे पर है अड्डा का ज्यादा दूर नहीं घर के बगल में ही है। अच्छी बात है कि ठीक ठाक बंदा हमारे साथ नहीं है वरना चॉकलेट वैसे हिस्से हो जाते। आप अपने हक के लिए लड़ सकते सिर्फ एक कसम चढ़ा के। ये तो भैया कसम चढ़ाते हैं तुम दिमाग खराब तो है।
भाई वो पे कुछ बनेगा नहीं, मुझ पे कुछ बनेगा नहीं इससे लड़ने के लिए, तो बस आखिरी साधन होता है कसम ही रहता है। तू बुला रहा हूँ क्या बात है, हमारे हरेश भैया भी यही है, खेत में लगाया पानी, बच बच के जाएंगे। आइए आइए ठेसुद्दी आइए, ए गीलो ना है, आ जा मस्त है, बसते बजनते तभी का तो भाई तू सुन ले, तभी आ जा रहे गीले गीले में वो खुद तो मजन जा रहा है, ये है बस्सी। कौन है एल्ले 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 केड़ा पौणा पौणा कर दे पौणा दद्दवा, ये ठेस बुद्धि बेचारा अपने वजन से मारा। और भैया राम राम, ओ बच्चों बांगड़े राम राम। ये है हमारे भ्राताश्री, पूरे 28 साल के नर हैं ये। हम इनसे बहुत काफी ज्यादा छोटे हैं, मगर ये बहुत खतरनाक है। मगर देखते देखते दिमाग में खुजलियां मचलने लग जाती हैं। श्याप सूरज देवता तो ढल चुके हैं और फाइनली हमारे ठीक ठाक बंदे आ चुके हैं। सॉरी ठीक ठाक बंदा आ गया, जहाँ पर ये सभी पटके जा रहे हैं यहाँ पर गड्ढा था, अभी इन्हें से जगह भर दी है तो जगह थोड़ी मुलायम हो गई है। हमारे पास ना आइए, हम बहुत खतरनाक है, हम बर्बाद कर देंगे आपको। आला गीले खेतों कूद के जूते गंदे कर लिए। ये है हमारे परम पूजनीय भ्राताश्री। हेलीकॉप्टर 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 हेलीकॉप्टर। मगर फिर इस माया जाल में मेरा भी नंबर आ ही जाता है। मगर मैं बदले की आग में तपता हुआ पागलों की तरह इनके पीछे भागने लग जाता हूँ। कांता को देखते ये बॉर्डर है, उस तरफ हमारा खेत है, इस तरफ किसी और का, आप किसी और की सीमा में लोर मार गए थे। कृपया आप यहाँ से जल्दी जल्दी चलिए, चलिए भ्राताश्री यहाँ से जल्दी जल्दी निकलिए, हम किसी और की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। अरे नहीं सही बताओ। और अभी तो रुको, फिर अब मैं किसी एक छोटे से विवाद के पीछे घमासान युद्ध हो जाता है। युद्ध मजबूरी में हुआ था लेकिन फिर इसमें मजा आने लग जाता है और धीरे धीरे बारी बारी से सभी अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। बेचारा ठेस बुद्धि क्या करता है। मगर फिर मैं भी अंटे में आ जाता हूँ। It was at this moment he fucked up. Yeah! Finally! कुछ नहीं बस भड़ास निकाल रहा हूँ। कैसा लगा? पूरे शरीर में घासी घास कर दी। अब नहीं आएगा, आएगा आएगा बहुत जल्द आएगा। घासी घास कर दी सिर में। एक मिठाई है जो बगल में भाभी के लिए रखी थी, हम उसे देने चलते हैं। भाभी घर पे थी नहीं, वो अपनी बहन के घर पे गई थी और मुझे भी नहीं पता कि दो दिन तक ये मिठाई मुझसे कैसे बच गई। ले ओ भाभी अपनी बहन के घर से ये आज ही आई है कुछ देर पहले। पूरे कमरे में घासी घास करती, झाड़ू लगाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं बहुत प्रैक्टिस है उसकी। तो चाय पीगी? चौ पेपर चलाएंगे और कर लेती। याद कर रही है? गुड शाबाश, पढ़ाई करो।
भूख तो मुझे ज़्यादा है नहीं, फिर भी कोई छोटी मोटी चीज़ खाने को मिल जाए तो मज़ा आ जाए। मटर, मटर कौन खाता है? क्या बात है, आटे और खोए के लड्डू आधा बहुत है। तो चलो इस वीडियो को तो यहीं करते हैं समाप्त। बहुत जल्दी मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, और हम थोड़ा थोड़ा सोच रहे हैं ट्रैवलिंग की। और आप लोगों को दिल से एक बार और बहुत बहुत धन्यवाद।